हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ आप सबके लिए वो है इंस्टेंट रेसिपी। 10 से 15 मिनट लगेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। अगर आप लंबा टाइम लगा देते हो इस रेसिपी बनाने के लिए ना, तो आप इस बार ये तरीके से बना करके देखिएगा, आपके गेस्ट को अच्छा लगेगा, आपके फैमिली को अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो पहले क्या करेंगे ना, एक कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल हम ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं। तेल में हम डाल देंगे सारे पनीर को। तो पनीर को मैंने इस तरीके से स्क्वायर कट कर लिया है। अभी सारे पनीर को मैंने एक साथ डाला है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आधे आधे करके इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, 2 से 3 मिनट फ्राई किया। स्टर फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके ना एक टॉवल पेपर पे या फिर कोई पेपर पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसी तेल में हम फिर से इसका ग्रेवी बनाएंगे। तो ये सारे मैंने सब्ज़ियाँ ले लिए हैं, लहसुन ले लिया है, मिर्च ले लिया है, टमाटर ले लिया है, प्याज ले लिया है और अदरक ले लिया है। इन सारी चीज़ों का ना एक साथ हम क्या करेंगे, बिल्कुल रफली कट कर लीजिएगा और इस तरीके से आप इस तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई कर लिया है ताकि थोड़ा सा ना इसका कच्चापन निकल जाए, बस इतना। तो क्या करेंगे ना, सारे चीज़ों को एक ही में डाल के अच्छे से पका लेंगे। पकाने का मतलब है कि कम से कम 4 से 5 मिनट आप इसे जब फ्राई करेंगे ना, तब ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी होगी। अब ये सारी प्याज को भी डाल देंगे और इसे हम चलाते हुए पका लेंगे। ढक करके भी आप पका सकते हैं, नमक नहीं यूज़ करिएगा। तो मैंने लीड लगा के 4 मिनट तक मैंने पका लिया है। खोलने के बाद देखिए इस तरीके से हमारी जो सारी सब्जियां हैं वो अच्छे से पक चुकी हैं, ठीक है। अब पकने के बाद ना इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च। अगर आपके पास इलायची है या फिर जीरा डालना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पेस्ट, ये जो हमने पेस्ट बनाया था ग्राइंड करके, वो पेस्ट है। और पेस्ट डाल करके इसको अच्छे से चला देंगे। तो ये पेस्ट बन चुकी है, मैंने ऑलरेडी इसको पका दिया था, मतलब इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। 50% ये पक चुकी है। अब ये ग्रेवी जब बन जाएगी तो ये थोड़ी थोड़ी पक जाएगी। तो अब देखिए इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। तो मसाले में हम ले लिया है हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मटर पनीर मसाला और गर्म मसाला। और इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा हल्का सा पानी डाल करके मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैंने क्या यूज़ किया है ना, इसकी स्मूथली के लिए मैंने यूज़ किया है दूध। तो मैंने आधा कप दूध लिया था और इस तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे मटर को और पनीर को। तो मटर मैंने फ्रोज़न मटर यूज़ किया है। अगर आप ठंडी में बना रहे हैं तो ठंडी में तो ऑलरेडी मटर आता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फ्रोज़न मटर ला करके यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो तो बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। अब ग्रेवी को पकाने के लिए 2 से 3 मिनट तक ना लीड लगा देंगे। लीड लगा करके आप 2 से 3 मिनट तक और पका लीजिए। और पकाने के बाद देखिए हमारी जो मटर पनीर है बिल्कुल टेस्टी ऐसे रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें मलाई यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बटर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें बटर भी यूज़ किया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर डाल दिया कसूरी मेथी। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंस्टेंट रेसिपी है, 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी है, यकीन मानिए। आप इसे बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सेफ रहिए और मेरी रेसिपीज़ को इन्जॉय करिए। बाय बाय।